नमस्कार दोस्तों, आज हम लातूर से 20 किलोमीटर दूरी पर और रेनापुर से 5 किलोमीटर दूरी पर श्री बापू कुरे जी के खेत में आए हैं। उनके खेत में एक कुआ है, उस कुएं में सांप है, ऐसा इनका कहना है। तो हमारे रेस्क्यूअर श्री ज्ञानेश्वर रूपनर अभी देखेंगे कि कौन सा सांप है और उसे रेस्क्यू करके जंगल में छोड़ देंगे। चलिए दिखाओ सांप। देखिए दोस्तों, सांप इस कुएं के अंदर है। दोस्तों देखिए, दोस्तों यहाँ पे है सांप। यहाँ पे हमें एक इंडियन स्पेक्टिकुलर कोबरा दिख रहा है दोस्तों, ऊपर से देखते हैं। अब हमें इसे रेस्क्यू करने के लिए कुएं के अंदर जाना पड़ेगा दोस्तों। बहुत ही बड़ा कुआ है इनका, देखिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम इस सांप को रेस्क्यू करने की तैयारी करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम इस सांप को रेस्क्यू करने की तैयारी करते हैं। हमारे रेस्क्यूअर अंदर जाएंगे दोस्तों। अंदर जा रहे हैं दोस्तों। बहुत ही मुश्किल से अंदर उतर रहे हैं। काय कर रहा है? मला जावं लागतं। जावं लागतं ती का होतं घराय करायचं। हमारे सहकर्मी भी अंदर उतर रहे हैं दोस्तों। अब थोड़ी देर बाद हमें भी अंदर जाना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर से वीडियो अच्छा नहीं आएगा दोस्तों। काय होते हमारे रेस्क्यूअर नीचे उतर रहे हैं दोस्तों। अब हम भी जाएंगे, उतरेंगे, तब तक के लिए एक सेकंड। देखिए दोस्तों, हमारा सांप यहाँ पे आ चुका है। पाया ताले तुम आके घेर। देखिए दोस्तों, हमारा सांप अभी अभी मेरे पैर के पास से होकर गुजरा। मैं भी डर गया था, क्योंकि मेरे हाथ में कोई स्टिक नहीं है दोस्तों, जात नहीं। बहुत ही बिग साइज का इंडियन स्पेक्टिकुलर कोबरा है दोस्तों। देखिए दोस्तों, कितनी बड़ी साइज का इंडियन स्पेक्टिकुलर कोबरा। देखिए ए सुनील पोतगे। देखिए दोस्तों, कितनी बड़ी साइज का इंडियन स्पेक्टिकुलर कोबरा है। देखिए दोस्तों, कुएं के अंदर बहुत ही खतरनाक रेस्क्यू। कुआ इस साइड में बहुत ही गहरा है दोस्तों। हम उस सदर पे खड़े हैं। देखिए दोस्तों, कितनी बड़ी साइज का है उसका फन का साइज। देखिए दोस्तों, हमारा पहला रेस्क्यू इतने खतरनाक सांप का, वो भी कुएं के अंदर। देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, कितना खतरनाक इंडियन स्पेक्टिकुलर कोबरा। रंग देखिए दोस्तों, कितना बेहतरीन रंग है इसका, पूरा गेहूं चॉकलेटी कलर का नाक दोस्तों।
कम से कम एक 4 फुट बड़ा बहुत ही तंदुरुस्त सांप दोस्तों। और हम इसे बैग में पैक करके ऊपर ले जाएंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों हमारे रेस्क्यूअर कैसे उसे हैंडल कर रही है। पानी काट रहे थे जब। देखिए दोस्तों सांप को बोरे में डालना बहुत ही मुश्किल हो गया है, क्योंकि सांप जो है वो पानी के अंदर बहुत जल्दी बोरे में नहीं जाएगा दोस्तों। ये बहुत ही मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन। ओ शिट, देखिए दोस्तों कितना खतरनाक रेस्क्यू ऑपरेशन। सांप को बोरी में डालना बहुत मतलब बहुत ही मुश्किल काम हो लग रहा है हमें भी अब, क्योंकि यहाँ पानी में उसे बोरे में डालना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम लग रहा है दोस्तों। देखिए दोस्तों बहुत ही मुश्किल काम। एक तो मेरे पास कोई स्टिक नहीं है दोस्तों, ये सांप आ रहा है मेरी तरफ और मुझे लग रहा है डर। देखिए दोस्तों हमारे रेस्क्यूअर ने उस बोरियो को ऊपर बांध रखा है ताकि उस सांप को उस बोरिए में डाल सके दोस्तों। देखिए दोस्तों अब हमारे रेस्क्यूअर सांप को बोरिए में डालेंगे दोस्तों। बहुत ही मुश्किल रेस्क्यू सांप को बोरिए में डालना, क्योंकि सांप जो है वो पानी में होने की वजह से बोरिए में नहीं जाएगा जल्दी दोस्तों। ये ले मुझे अंदर गई मुंडी अंदर गई 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 पूरा गई गया पूरा अंदर। पैक करो पैक करो पैक करो कैसे तो पैक करो अंदर ही है पूरा अंदर है वो दबो। तो देखिए दोस्तों हमारे रेस्क्यूअर ने उसे रेस्क्यू कर लिया है दोस्तों। बहुत ही खुश लग रहे हैं हमें अभी, क्योंकि वो उसका रेस्क्यू करना बहुत ही मुश्किल हो गया था दोस्तों। एक तो दोस्तों मेरे पास चिक नहीं थी और यहाँ चलने की थोड़ी भी जगह नहीं दोस्तों। एक हमारी स्टिक भी अंदर गिर गई दोस्तों पानी के अंदर। अभी वो अंदर गई वो निकलेगी नहीं, ऊपर से फेंकी वो सीधा पानी में चली गई। फेंकी गई और वो स्टिक भी हमारी पानी में चली गई है दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा थोड़ा सा नुकसान हुआ दोस्तों। देखिए दोस्तों यहाँ पे चलने के लिए सिर्फ 2 फीट की जगह है दोस्तों। 2 फीट की जगह में घूम घूम कर इस सांप को पकड़ना पड़ा। हमें भी डर था क्योंकि ये सांप हमें काट सकता था, क्योंकि हमें यहाँ थोड़ी सी जगह थी उसे हैंडल करने के लिए। फिर भी ऐसी खतरनाक स्थिति में हमारे रेस्क्यूअर ने इस सांप को रेस्क्यू किया, इसके लिए हम उनका धन्यवाद करेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों अब हम ऊपर जाते हैं। हमारे नहीं
हमारे रेडियस क्यूअर्स साहब को लेके ऊपर जा रहे हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, हम कुएं में से सांप को निकाल कर लाए हैं दोस्तों। तो हम देखिए दोस्तों, अभी हमारे रेस्क्यूअर सांप को बाहर निकाल कर दिखाएंगे दोस्तों। दिलबर का स्टिकी क्या था मेरा देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों कैसा सांप है। देखिए दोस्तों कितना खतरनाक इंडियन स्पेक्टिकुलर कोबरा। हमारी दूसरी स्टिक तो पानी के अंदर गिर गई दोस्तों। अब हमें इसी चिमटे वाले स्टिक से कैच करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, ये है दोस्तों, ये है बापूजी कुरे जिनके खेत में सांप निकला था। ये बहुत ही खुश लग रहे हैं हमें आज, अभी सांप को पकड़ने की वजह से। इन्होंने इस सांप की जान बचाने के लिए हमें बुलाया दोस्तों, क्योंकि अगर ये ज्यादा दिनों तक पानी में रहता दोस्तों तो ये मर सकता था। इन्होंने लगा कि सांप को पकड़ना चाहिए और इसे बाहर निकालना चाहिए, इसलिए इन्होंने हमें कॉल करके बुलाया दोस्तों। ज्यादा दिनों तक पानी में रहने की वजह से इसकी स्किन खराब हो सकती है दोस्तों और ये मर सकता है। देखिए दोस्तों, दांत नस्त कर जितना सोड़ा हेला नहला का दात काटूंगा मारा चिका। देखिए दोस्तों, मरता से साफ दात का। देखिए दोस्तों, आपण जिवंत वाचवून सोडायचं एवढंच काम करता। देखिए दोस्तों, यहाँ के किसान भी इसका वीडियो ले रहे हैं दोस्तों। कालो ना फुटो नाही, कभी भी अटैक कर सकता है दोस्तों। जब ये अपना फन उठाता है, ये देखिए दोस्तों, दोस्तों ये सांप जो है जब किसी को काटता नहीं है, जब इसे पकड़ने की कोशिश करते हैं तब वो अटैक करता है। लोगों को डराने के लिए अपना फन उठाता है दोस्तों। ये तो जानबूझकर हमारे यहाँ नहीं आता, इसीलिए भी तुम आपको मारना गलत है। कैसा पुकार रहा है दोस्तों, चलो दोस्तों आप इसे बैग में पैक करके इसे फॉरेस्ट में रिलीज कर देंगे। ये पानी के अंदर रहकर थोड़ा वीक हो गया है दोस्तों, जब ये बाहर रहेगा तो अच्छा रहेगा। दो दिन से पानी में गिरा था, कल इन्होंने हमें कॉल करके बताया था कि हमारे कुएं में एक सांप गिर गया है, लेकिन हम थोड़ा बाहर गए थे। दूसरा फिर करते हैं। दोस्तों, हम कल वन्य जीव संरक्षण के एक प्रोग्राम में गए थे दोस्तों, जो पुणे में स्थित था, तो उसकी वजह से हमें इसे कल रेस्क्यू करना नहीं जमा दोस्तों। तो हम आज सुबह सुबह एक आए पुणे से और इसे रेस्क्यू कर लिया है दोस्तों। वन्य जीव संरक्षण संस्था नाम की एक संस्था है, जिनका प्रशिक्षण कार्यशाला का एक शिविर था दोस्तों, उसमें हम गए थे। उसका नाले
दोस्तों कितनी साइज है इसकी? कम से कम दोस्तों ये 4.5 फीट का तो लग रहा है दोस्तों, 4.5-5 फीट का सांप है दोस्तों, 4 फीट कम से कम 7 इंच का तो होगा। हमारे रेस्क्यूअर अभी इसे बैग में डालेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों देखिए दोस्तों हमारे रेस्क्यूअर ने इसे बैग में पैक कर लिया है। इसे अभी जंगल में जाके छोड़ देगा। नहीं तिकट जाते निवाड़ा जंगलाल जाते निवाड़ा जंगलाल नहीं। इसे अब हम जंगल में छोड़ देंगे दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, हम आज बापू कुरे जी के खेत में आए थे। इनके खेत में हमने एक इंडियन स्पेक्टिकुलर कोबरा रेस्क्यू किया है दोस्तों। तो इस सांप को पानी से निकालने के लिए हमें जो बुलाने वाले बापू गिरे जी, इनका हम धन्यवाद करेंगे दोस्तों, क्योंकि ये सांप अगर ज़्यादा दिन तक पानी में रहता तो वो मर सकता था। तो इस सांप की जान बचाने वाले बापू गिरे जी और इस सांप को रेस्क्यू करके जंगल में छोड़ने वाले ज्ञानेश्वर रूपनर जी का भी हम धन्यवाद करेंगे दोस्तों। तो ऐसे ही बेजुबान जानवर की जान बचाने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए कैसे ना कैसे करके। मुझे चाहिए, इतना झिला मैं कभी नहीं हूंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिला हूं। मुझे चाहिए ही चाहिए, तो लाइक मारो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।